सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े एक ड्रग मामले में अरेस्ट हुई रिया चक्रवर्ती को मुंबई की भाईखला महिला जेल में शिफ्ट किया गया है। इस जेल में रिया को अलग बैरक दिया गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक नए कैदी को अस्थायी तौर पर जो बैरक मिलता है उसे एक क्वारंटाइन बैरक कहते हैं। अगर रिया को जमानत नहीं मिली तो परमानेंटली इसी बैरक में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। रिया जिस बैरक में बंद है वो 10x10 का कमरा है। इसी में बाथरूम अटैच है। एक मग के जरिए पीने के पानी का इंतजाम होता है। पीने का पानी किसी मटके या मग में रखा जाता है। कमरे में एक सीलिंग फैन होता है। बैरक में एक तकिया, एक चटाई और उस पर बिछाने के लिए एक बिस्तर, ओढ़ने के लिए एक चादर होती है। कैदी को खुद ही जमीन पर अपना बिस्तर लगाना होता है। कैदी को हमेशा जेल का ही खाना मिलता है। अगर कोई विचाराधीन कैदी बैरक में बंद है तो कैदी को अपने घर से खाना मंगवाने की छूट होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया रात भर जेल में सो नहीं पाई। रिया बैरक में टहलती रही। बैरक में उनकी पहली रात उनके लिए बहुत भारी गुजरी है। रात में रिया को जेल का ही खाना दिया गया लेकिन रिया ने इसे नहीं खाया। रिया को जेल की मग से ही पानी पीना पड़ा। रिया को सोने के लिए एक चटाई दी गई और एक चादर, लेकिन रिया उस पर सो नहीं पाई। इधर रिया ने जांच को भटकाने के लिए एक नया दाव चलाया। रिया ने 30 पन्नों की याचिका में कहा है कि उनसे 3 दिनों तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मेल ऑफिसर्स पूछताछ करते रहे। पूछताछ में कोई भी महिला ऑफिसर शामिल नहीं थी। रिया ने इसको लेकर सवाल उठाए। रिया ने विक्टिम कार्ड भी खेला है और कहा है कि अगर उन्हें ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। रिया ने अपनी याचिका में कहा है कि हिरासत के दौरान उन पर इकबालिया बयान देने के लिए दबाव डाला गया, प्रेशर बनाया गया। रिया ने फिर कहा कि उनके पास से ड्रग्स या कोई भी साइकोट्रॉपिक पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन जानबूझकर एनसीबी उन्हें परेशान कर रही है।